दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर जो है वो हम सबको आना चाहिए, चाहे हम यूट्यूबर हो या नहीं हो। घर पर भी ये बहुत सारा यूज आ सकता है, क्योंकि इससे आप जो है वो सीरीज लाइन, पैरेलल लाइन, पार्ट सब कुछ चेक कर सकते हो। लेकिन कहीं बंदों की परेशानी है कि कुछ करना है यार, कुछ करके दिखाना है, लेकिन मल्टीमीटर नहीं आता है, क्या करें। तो आज का जो वीडियो है स्पेशली मल्टीमीटर के ऊपर ही है। पूरा का पूरा मल्टीमीटर आप सीख जाओगे अगर ये वीडियो आप आखिर तक देखोगे तो। और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इस वीडियो को स्किप कर लो यार, क्योंकि मैं आज पूरा जो मल्टीमीटर है वो एकदम शॉर्ट टाइम में सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के इस अमेजिंग वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो, क्योंकि ये सब जो मैं ये सब कर रहा हूँ वो आप ही के लिए कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये फ्री है यार, तो लाइक करने में क्या हर्ज है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड, जब आप मल्टीमीटर को नया परचेस करते हो तो कुछ इस तरह का रहता है। यहाँ पे तीन अप्लायंस होते हैं जिसमें हमको वायर इनपुट करना पड़ता है। यहाँ पे होल्ड बटन है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। एक ये येलो बटन है जिसमें यहाँ पे लाइट होता है, और एक बीच में चक्कर होता है, ऐसी स्विच होती है, और यहाँ पे कुछ लिखा होता है जो हमको आधा पता होता है और आधा नहीं होता है, और उसके साथ में ऐसे दो वायर आते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इतना सामान आता है उसके साथ में, तो सबसे पहले हमको उसका कनेक्शन कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बीच वाला जो है वो कॉमन है, तो यहाँ पे जो ब्लैक वायर है वो हम यहाँ पे इनपुट कर लेंगे। यहाँ पे जो साइड में आपको दिख रहा पॉइंट, उसमें हमें रेड वायर यानी कि पॉजिटिव पॉइंट इनपुट कर लेना है। तो ये हमारा जो मल्टीमीटर है उसका सेटअप हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ दो वायर ऐसे मिलेंगे सुई जैसे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, बस इतना ही सामान मल्टीमीटर के साथ में आता है। अब हम देख लेते हैं कि ये सिस्टम क्या है उसकी। तो यहाँ पे होल्ड बटन, तो होल्ड बटन का यूज़ क्या है कि किसी भी वैल्यू को हमें होल्ड करना है, यानी कि हम अगर भूल जाते हैं तो ये जो बटन है हम ऐसे दबा देंगे तो वो होल्ड हो जाएगा, यानी कि स्क्रीन पे सेव रहेगा। और ये येलो बटन की बात हो गई, ये लाइट का है, तो यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट चल रहा है, तो ये लाइट का है। अभी यहाँ पे कुछ लिखा है उसका मैं मतलब आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वोल्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे डीसी का सिंबल है, ठीक है। और उसकी राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे भी वोल्ट लिखा है, और यहाँ पे एसी वोल्ट का सिंबल दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो ये वाइट सा है 600 या 200 लिखा है, ये एसी एरिया है, यानी कि एसी वोल्ट को आप यहाँ से चेक कर पाओगे। ये 200 वोल्ट तक कैपेसिटी जो अपनों को 200 वोल्ट तक आपको चेक करना है तो 200 पे रखना है, उससे ज़्यादा है अगर 250 है तो ये जो है वो 600 पर हमको करना पड़ेगा, नहीं तो मल्टीमीटर जल जाएगा, ठीक है। अब ये बीच में जो रेड है वहाँ पे ऑफ रहता है, जैसे ही हमारा यूज़ ख़त्म हो जाए तो उसको हमेशा ऑफ कर देना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं शुरू से। तो यहाँ पे ये 600 लिखा है, 200 लिखा है, 20 लिखा है और 2 लिखा है, तो उसका मतलब क्या है कि डीसी जो वोल्ट है वो हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे, वो भी आराम से। तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि डीसी करंट कैसे चेक करना है। अभी मान लो कि ये मेरे पास एक बैटरी है, ये जो बैटरी है उसके वोल्ट की अगर हम बात करें तो 3.7 वोल्ट उसके है, तो यहाँ पे हमको चेक करना है। तो हम ये कहाँ पे रखेंगे मल्टीमीटर को, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये 2 लिखा है तो हमारा 2 वोल्ट से ऊपर है, तो हमको 20 पर रखना है, 20 वोल्ट, यानी कि हमको 12 वोल्ट चेक करना होगा तब भी यहाँ पे 20 पे रखेंगे। लेकिन अगर हमें 24 या 22 वोल्ट को चेक करना है तो ये डायरेक्टली 200 पे रखना पड़ेगा, नहीं तो मल्टीमीटर जल जाएगा। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 20 पे। अब हम करते हैं बैटरी को चेक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये जो है वो पॉजिटिव पर रखते हैं रेड पॉइंट, और यहाँ पे रखते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे रीडिंग क्या आ रही है, 3.689890 बीच, यानी कि ये जो वैल्यू है वो बहुत ही सही बता रहा है
3.7 वोल्ट की बैटरी है, थोड़ा अप डाउन रहेगा क्योंकि ये चार्ज फुल नहीं है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो बैटरी को। अब मैं आपको आगे का स्टेप बता रहा हूँ। तो ये जो है वो 200 mAh लिखा है, तो यहाँ पे माइक्रो वोल्ट यानी कि कुछ सेंसर्स होते हैं जो वोल्ट, मान लो कि ये फोटो डायोड हो गया, ये भी वोल्ट उत्पन्न करता है, वोल्ट से काम करता है। तो जो माइक्रो वोल्टेज होते हैं वो यहाँ पे चेक होते हैं। अभी माइक्रो वोल्ट में कुछ पार्ट भी आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं सीधा नीचे की ओर। तो नीचे आपको सबसे पहले लिखा मिलेगा 2 mA, 200K, 20K, 2K और 200 ohms। ये यहाँ पे आप देख सकते हो ohms का सिंबल बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे आप रजिस्टर को चेक कर सकते हो। अभी हम कुछ वैल्यू आपको चेक करके दिखाएंगे। तो ये जो रजिस्टर है, सबसे पहले तो ये एक रजिस्टर हमने ले लिया है और अब हम उसकी वैल्यू चेक करने वाले हैं। तो हमेशा इतना ख्याल रखना है कि आप एक हाथ से ही पकड़ो, दोनों पॉइंट को एक साथ ऐसे मत पकड़ो, वरना वैल्यू गलत हो सकती है। तो यहाँ पे हमने ये लगाया, ये 100 ohms का रजिस्टर है फ्रेंड। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखा रहा है, आपको दिख रहा है मेरा हाथ हिल रहा है इसलिए वैल्यू जो है वो अप डाउन हो रही है। लेकिन 100 ohms का है ये, तो 100 ohm दिखा रहा है। तो हमको 100 ohms का है तो यहाँ 200 पे रखना है, ठीक है। और उससे ज़्यादा के में है, 100K, 200K, ये सब वैल्यू इस तरह से। और ये 2 mA वाला जो बहुत ही हाई रेंज के, हाई वैल्यू के जो होते हैं रजिस्टर, वो यहाँ पे चेक होते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। तो यहाँ पे एक बीप का सिंबल है, ये आप देख सकते हो, यानी कि उसमें आप डायोड चेक कर सकते हो। और यहाँ पे जब भी हम दोबारा टच करेंगे तो बीप की आवाज़ आएगी और यहाँ पे कुछ काउंटिंग भी होगी। तो हम ले लेते हैं डायोड। तो ये मेरे पास एक डायोड है IN4007। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक पॉइंट एनोड पे और यहाँ पे तो कुछ नहीं बताया, ठीक है। अब हम डायोड को करते हैं उल्टा, तो यहाँ पे कुछ काउंटिंग हो रहा है, यानी कि ये जो डायोड है वो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। डायोड का काम क्या होता है कि करंट को एक ही साइड से पास होने देता है। बहुत लंबी कहानी, यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बारे में अगर आप चाहते हो कि पार्ट के बारे में वीडियो बनाओ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हम चलते हैं आगे। ये जो है वो HFE, यानी कि यहाँ पे आप ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हो। नीचे कुछ होल्स दे गए हैं, उसका सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पे आप ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हो। तो उसकी कहानी भी बहुत लंबी है यार, तो उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊँगा, ठीक है। वैसे हम यहाँ डायोड पे रख के भी चेक कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को। और यहाँ पे जो ये 10A, 200 mA, 20 mA और 2 mA, ये जो लिखा है वो एम्पियर चेक करने के लिए कि आपकी जो पार्ट है, आपके पास जो डिवाइस है वो कितने एम्पियर का लोड ले रहा है। तो यहाँ पे ये 10K जो है उसका यहाँ पे अलग सा एक सॉकेट दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। यानी कि बड़ी चीज़ें आपको, जैसे 3-phase की मोटर हो गई, ये इट इज बड़ी जो चीज़ होती है उसको चेक करने के 10 पे रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है उसको हमें अगर 10 amperes पे तक का चेक करना है तो यहाँ पे रखना है, ठीक है। लेकिन हमको इतनी बड़ी चीज़ जो है वो चेक नहीं करनी है। तो 200 mA, ये 200 mA है, यहाँ पे आप AC बल्ब को भी चेक कर सकते हो सीरीज में को वो कितना वोल्ट खा रहा है, उससे थोड़ा कम है अगर तो यहाँ पे। और ऐसे सभी वैल्यू दी हुई है, मतलब कि आप नॉर्मल से नॉर्मल वॉट भी यहाँ पे, वॉट जो कैपेसिटी है वो नाप सकते हो। तो एकदम सिंपल है यार। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं AC की। तो 200 तक का अगर आपको वैल्यू चेक करना है तो ही 200 पर आप रख सकते हो। और अगर हमें घर का कितना वोल्ट आ रहा है वो चेक करना है तो हमको 600 पे रखना पड़ेगा। तो हम घर के वोल्ट चेक करते हैं। आपको इतना ख्याल रखना है कि ये AC है, तो घर का लाइट अगर चेक कर रहे हो, घर के वोल्टेज को नाप रहे हो, तो AC पे ही रखना है, ना ही कि DC पे, वरना ये जल जाएगा। तो हम 600 पे रख के घर का, मेरे घर के वोल्टेज चेक करते हैं। तो फ्रेंड अभी आपको दिख रहा है कि मल्टीमीटर के पीछे एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। तो उसमें हम ये दो जो पॉइंट है वो इनपुट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे मीटर पे देख लेते हैं। हमने 200 पे रख दिया है और AC का
सिंबल है उसी जगह पे रख लिया है। तो हम करने जा रहे हैं इनपुट, तो मेरे घर में अभी कितने वोल्ट आ रहे हैं फ्रेंड, 250 आ रहे हैं समथिंग, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है यार, मेरे यहाँ पे ट्रांसफार्मर बहुत नज़दीक है तो बहुत फुल वोल्ट आ रहे हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे मुझे कोई ख़तरा नहीं है। अगर यहाँ पे 150 वोल्ट दिखा रहा है तो आपके घर में लाइट बिल भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसके जैसे वोल्ट कम होंगे तो एम्पियर ज़्यादा लेगा, वो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा जो मल्टीमीटर है वो मैंने सिखा दिया है आपको। अगर कुछ आपको क्वेरी है और कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करो या मेरे फेसबुक पे फॉलो कर लो, यहाँ पे भी मैं आपको लाइव जो है वो चैट पे बात करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों आज के वीडियो में था बस इतना ही, अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।